आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई कमी को देखते हुए सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर हाल ही में लगाए गए टैक्स को घटा दिया है। सरकार ने महज 3 सप्ताह पहले डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन यानी ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। सरकार के इस फैसले से पेट्रोलियम उत्पादों की सबसे बड़ी भारतीय निर्यात कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत ONGC जैसी सरकारी तेल कंपनियों को भी फायदा होने वाला है। वहीं सरकार ने कच्चे तेल के भाव में जारी तेजी को देखते हुए 3 सप्ताह पहले पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया था। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया था जब घरेलू रिफाइनरी कंपनियां डीजल, पेट्रोल और ATF का निर्यात कर मोटा मुनाफा कमा रही थी। सरकार ने पेट्रोल और ATF के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर शुल्क बढ़ाया था। इसी तरह डीजल के निर्यात पर शुल्क को 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया था। इसके अलावा सरकार ने एक अलग नोटिफिकेशन में बताया था कि घरेलू क्रूड ऑयल पर 23,230 रुपए प्रति टन का अतिरिक्त टैक्स लगाने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं सरकार के एक ताज़ा नोटिफिकेशन के अनुसार डीजल और विमान ईंधन पर विंडफॉल टैक्स को 2 रुपये प्रति लीटर कम किया गया है। वहीं पेट्रोल के मामले में 6 रुपये प्रति लीटर की दर से लग रहे विंडफॉल टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इनके अलावा घरेलू स्तर पर उत्पादित हो रहे कच्चे तेल के निर्यात पर टैक्स को करीब 27% घटाकर अब 17 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। वहीं बता दें कि पिछले सप्ताह गुरुवार को बताया गया था कि भारत सरकार हाल ही में लगाए गए विंडफॉल टैक्स को कम करने पर विचार कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर 1 जुलाई से विंडफॉल टैक्स लगाने का ऐलान किया था। रिफाइनरी कंपनियों को हो रहे मोटे मुनाफे में हिस्सा पाने के लिए कई देश इस तरह का विंडफॉल टैक्स लगा रहे थे। हालांकि उसके बाद से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में नरमी आई है। इस कारण कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली रिफाइनरी कंपनियों को हो रहा लाभ कम हुआ था। अब टैक्स कम होने से ऐसी कंपनियों को राहत मिलेगी। इन कंपनियों के शेयरों में इस कारण आज तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं यूक्रेन पर फरवरी में रूस के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी को देखने को मिली थी। हालांकि बाद में दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका गहराने से कच्चे तेल पर असर हुआ और इनकी कीमतें जून महीने के दूसरे सप्ताह के बाद से नरम होने लग गई थी। इससे घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल को अन्य देशों में बेचने से फायदा भी सीमित हो गया। वहीं घरेलू रिफाइनरियों में तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने वाली कंपनियों का मुनाफा भी प्रभावित हुआ। आंकड़ों के अनुसार भारत की एकमात्र प्राइवेट रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड अकेले भारत के पेट्रोल डीजल निर्यात में 80-85% का योगदान देती है। इस कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।